अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSN Consultant। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट फ्री स्टडी इन नॉर्वे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको नॉर्वे को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए और अपनी फ्री स्टडी वाला ऑप्शन ज़रूर लेना चाहिए। जो सबसे पहली रीज़न वो ये है, नॉर्वे में जो है स्टडी बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैनी भी ट्यूशन फीस की मद में नहीं देनी होती, तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न। रीज़न नंबर टू ये है कि नॉर्वे एक बहुत वेल्थी कंट्री है, यहाँ का GDP बहुत अच्छा है। रीज़न नंबर थ्री, नॉर्वे में आवरली वेजेस बहुत अच्छे हैं, आपको 150 से लेके 180 नॉर्वे करोना के हिसाब से पर आवर पैसे मिलते हैं, जो कि $20 में 20 से लेके 22 $22 के बराबर होते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से रेडी करना है और आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग नॉर्वे में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एडमिशन इनटेक साल में 15 अक्टूबर से लेके 1 दिसंबर तक होता है और ये साल में एक ही इनटेक होता है, दूसरा इनटेक नहीं होता। और दूसरी जो अमेजिंग बात ये है कि नॉर्वे में हर यूनिवर्सिटी को में अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर जाके अपनी एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी के लिए डालनी होती है। उस सिंगल पोर्टल पे आप अपना जब लॉगिन बना लेंगे उसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन होगी, आपको अलहदा से यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उस एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, एडमिशन के स्टेप्स क्या क्या है, ये मैं सारी आपको डिटेल बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे रेडी करने हैं, आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स IBCC से टेस्ट करवाने होंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट करवाने हैं, मार्कशीट्स नहीं, ठीक है। इसके अलावा HEC से आपने टेस्ट करवाना है बैचलर और मास्टर डिग्री को। आपकी ये दोनों चीज़ें जब अटेस्ट हो जाएंगी, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो है IELTS। आपको IELTS जो है 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होगा, 6 बैंड के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है लेकिन वो एक चांस होता है मिले या ना मिले, लेकिन 6.5 बैंड अगर आपका स्कोर है IELTS के अंदर तो आपको यकीनन एडमिशन मिल जाएगा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मोफा से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर कम अज़ कम 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए, जो कि 20 लाख रुपये के बराबर होते हैं, वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए होंगे। लोग पूछेंगे जी क्यों, जबकि वहाँ पर स्टडी तो फ्री है तो फिर हमें ये पैसे क्यों चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी ट्यूशन के लिए फ्री है लेकिन आपको लिविंग कॉस्ट के लिए पैसे अपने पास से ले जाने होंगे और वो आपको अपना ही खर्चा करना होगा अपनी लिविंग के लिए। वो आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करेंगी कि वहाँ से किसी होल जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, काम करें, आपको अपने पैसे लेके जाने। वो होता ये है कि आपको वो पैसे जो शो करेंगे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में जो बनवाएंगे उस वो पैसे आपको जैसे ही एडमिशन आपका कन्फर्म होगा आपको वो पैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालने होंगे और जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको वो पैसे वापस कर देगी आपके अकाउंट में, वहाँ आपका अकाउंट खुलेगा उसमें आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे और आप अपने वो पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपके लिविंग के लिए, फूड के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली नेक्स्ट चीज़ है वो है मोटिवेशन लेटर। आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। आपने अच्छा लिखना है कि आपकी प्रायर एजुकेशन क्या है, आगे आपका क्या प्लान है और क्यों आप ये कोर्स ले रहे हैं, क्यों इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपने उस मोटिवेशन लेटर में बतानी है। आपने अपने ऑलरेडी जो स्टडीज़ कर चुके हैं उसको भी बताना है, कि कोर्स डिस्क्रिप्शन भी बतानी है कि जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आने वाला जो कोर्स है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों वो पढ़ना चाहते हैं, सारी डिटेल आपने उसकी बतानी है। थोड़ा आपके पास होना चाहिए, CV आपको बनवा लेना चाहिए, समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज CVs मांगती हैं, आपको वो CV देना पड़ेगा। तो सर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने www.studyinnorway.no। अच्छा तो हम ये studyinnorway.no पर आ गए हैं, यहाँ पर आपने इसको देखना है, यहाँ पे आप अपनी इंटरेस्ट का प्रोग्राम चुनेंगे और हर यूनिवर्सिटी का अलग से एक प्रोग्राम होता है, उसको आप क्लिक करके स्कैंडोनास वेब पर डायरेक्ट जो है ना चले जाएंगे। ये हम अब डायरेक्ट आ गए हैं स्कैंडोनास वेब पर, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि आप अपना यहाँ पे लॉगिन बना सकते हैं, अपना अकाउंट बनाएंगे, नीचे लॉगिन इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पे यहाँ पे आप अपना
रजिस्टर्ड हो जाएंगे और लॉगिन बनाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देंगे। ये जो पोर्टल है ये 15 अक्टूबर से लेके 1 दिसंबर तक ओपन होता है। इसके दौरान आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर देंगे तो क्या होगा कि फिर उसके बाद आपको अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद आपको उसका ईमेल में रिज़ल्ट आ जाएगा कि आइदर आप सिलेक्टेड हैं या आपको नहीं सिलेक्ट किया गया। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको वो जो है यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप वो पैसे जो है बैंक स्टेटमेंट वाले वो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। 1,21,000 NOK नॉर्वेजियन जो है कोरोना वो उसके मुताबिक आपको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब आपको वो पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा का प्रोसेस होगा तो फिर आप जो है वीज़ा ले कर अप्लाई कर जाएंगे। वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस कोई नहीं है। ये जो पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे ये आपको जो है आपकी लिविंग कॉस्ट की आपकी फ़ूड आपकी एकोमोडेशन उसके लिए इस्तेमाल होंगे। हॉस्टल फ़ीस 4,000 कोरोना पर मंथ है। पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है 20 आवर्स और हॉलीडेज़ के ऊपर आप पूरा जो है पूरा दिन काम कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस जो हैं वो मैंने आपको बताया कि $20 से लेके 22 तक मिल जाए। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।